subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. दोस्तों फाइनली इस बार करण और प्रीता की शादी हो ही जाएगी, चाहे शादी धोखे से हो या फिर सच जानने के बाद, लेकिन प्रीता हो ही जाएगी करण की। लेकिन अब आगे की कहानी क्या होगी इसकी बात करते हैं हम। जहां पर शादी के बाद करण लूथरा हाउस ले जाएगा प्रीता को, तो राखी और करीना बुआ ये सब देख कर दंग रह जाएगी, क्योंकि करीना बुआ और राखी को लगता है कि अब तो पृथ्वी के आरोपी को प्रीता ने क्यों बचाया, क्यों। इसी को लेकर राखी और करीना बुआ प्रीता से नाराज है। जहां पर जैसे ही करण प्रीता को शादी के लहंगे में लेकर पहुंचेगा, तो राखी और करीना करण को थप्पड़ मारती हुई नजर आएंगी। लेकिन अब कहानी में वो सब कुछ होगा जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। इस गणेश चतुर्थी करण अपने घर वालों के खिलाफ जाकर गणेश की पूजा भी करेगा और अपनी शादी के रिसेप्शन भी देगा, और रिसेप्शन में करण सभी को बुलाएगा। लेकिन उससे पहले करीना और राखी की करण के साथ लड़ाई भी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि राखी कहेगी कि तुझे शर्म नहीं आती करण, जिसने तेरे पिता के खूनी को बचाया तो उसी से शादी कर ली है। अब देखना ही है कि क्या अब करण राखी के इन सारे सवालों के जवाब देगा या फिर नहीं। वैसे कुछ भी कहो, सीरियल की दुनिया होती ही अजब है। लेकिन अब बात करते हैं कहानी के ट्रैक की। जिस भी फैंस ने कहानी के ट्रैक को मिस कर दिया है, उसको अब काफ़ी अच्छी खबर मिलने वाली है, क्योंकि ऋषभ ने आखिरकार अपना सपना सच कर ही लिया है। नहीं तो उसके दिल के इतने दिनों से ये बात घूम रही थी, क्योंकि ऋषभ ने दिल से प्यार किया है प्रीता से, और अब इस बात को प्रीता ऋषभ के मुँह से सुनती है तो वो भी दंग रह जाती है। तो दोस्तों अब कहानी में जो भी टर्न और ट्विस्ट आएंगे, इसकी हर अपडेट आप सभी फैंस तक जरूर पहुंचेगी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए आगे की आने वाली कहानी की हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए। तो जिस भी फैंस ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप सभी फैंस को आने वाली कहानी से अपडेट होते रहे, और साथ ही साथ बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.